दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। उनके इस फैसले से हर कोई हैरान है। डीकॉक भारत के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की टीम का हिस्सा थे। इस टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 34 और दूसरी पारी में 21 रन बनाए थे। डीकॉक ने संन्यास का ऐलान करते हुए अपने बयान में कहा, मैं अब अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ, इसी वजह से टेस्ट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। ये फैसला लेना आसान नहीं था, मैंने इसके बारे में काफी सोचा है और अपने भविष्य का पूरी तरह से आकलन किया। बता दें, डीकॉक अफ्रीका के लिए वनडे और T20 क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। उन्होंने साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। वो इस फॉर्मेट में दक्षिण अफ्रीका टीम के कप्तान रहे हैं। हालांकि टीम के खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने जल्द ही कप्तानी छोड़ दी। गौरतलब है कि डीकॉक ने टेस्ट डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में किया था। उन्होंने कुल 54 टेस्ट खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 38.82 की औसत से 3300 रन बनाए, जिसमें 6 शतक शामिल हैं और 22 अर्धशतक हैं। जबकि बतौर विकेटकीपर उन्होंने 221 कैच लिए हैं और 11 स्टंप किए।